नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है भारत के रेल मंत्री और राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव की। लालू जी, आपका स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया। मैं आपको एक बार फिर याद करा दूं कि लालू प्रसाद यादव 5 रेल बजट कर दिए हैं, पूरे 96,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। पर राष्ट्रीय नेता जो आप होने चाहिए थे, जो हैं, उसके बारे में आप कम बात करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि जो विभाग में हम हैं उसकी जो चर्चा थी वहाँ हम बात किया। आप कहवाना क्या चाहते हैं? कहना चाहता मैं आपके सामने बैठा हूँ। कांग्रेस के अंदर जो यूपीए के पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद आप हैं। ठीक है, तो आप हर विषय पर, जैसे पाकिस्तान में जो हो रहा है आजकल, उस विषय पर मैंने आपकी बातें सुनी नहीं। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया, उसके बारे में आप मुस्लिम में भी पॉपुलर हैं, हिंदू में भी पॉपुलर, एक ऐसे नेता हैं जो दोनों कम्युनिटी में पॉपुलर हैं, और पाकिस्तान में तो पॉपुलर हैं ही आप। तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान के मामले आपको बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए था? नहीं, देखिए, हम जब तक मिनिस्टर हैं, हाँ ठीक है, पार्टी के हम अध्यक्ष हैं अपने पार्टी का, लेकिन जिम्मेवारी चाहे कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर बोले, प्रणव बाबू बोले, वो विदेश के मंत्री है, वो तो जब एक मंत्री बोल रहे हैं, जो स्टैंड ले रहे हैं, तो उसमें सबकी सहमति होती है। अगर अलग अलग सुरतार हर मंत्री बोलना शुरू करे तो एक वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो भी बात जो होती है उन चीजों को, और कोई अगली निर्णय डिसीजन अगर जहाँ होती है, वो होने की बात होगी, तो फिर हम लोग रहते हैं उसमें। जहाँ इशू मुझे लगता कि गलत राह पर जा रहा तो मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गुंगा बन के बैठा रहता हूँ। पर लालू जी को अभी पाकिस्तान को कोई सलाह है कि नहीं आपकी? नहीं, हमारा सलाह है पाकिस्तान को। हाँ? पाकिस्तान को मेरा सलाह है कि भारत अपने पड़ोसियों से, खास करके पाकिस्तान से, मधुर संबंध और एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए, दोनों पड़ोसियों के आगे बढ़ने के लिए मिल के रहना चाहिए, शांतिपूर्वक ढंग से रहना चाहिए। और जो आतंकवाद है, जिससे ग्रसित पाकिस्तान शासन भी है, पाकिस्तान के आम आवाम भी लोग हैं, और भारत और दुनिया भर में इसकी एक चिंता बढ़ी है काफी, इसे पाकिस्तान सरकार को बढ़ चढ़ करके, हाँ देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, जो यहाँ मुंबई में जो घटना हुई, आतंकी घटना हुई, और जो हम लोग के आरोप थे सबूत के साथ, उस पर आनाकानी करना ये उचित बात नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है, ये अच्छी बात है। आप संतुष्ट हैं जो कुछ पाकिस्तान अभी तक कर रहा है? स्वीकार किया है और उन्होंने एडमिट किया है, अब उनको एक्ट करना चाहिए। नहीं, आप संतुष्ट हैं जो भी कुछ उन्होंने किया? संतुष्ट है, उन्होंने स्वीकार किया और संतुष्ट है, इसका ये मतलब नहीं कि हम संतुष्ट हो गए और आप एडमिट कर लिए। यू टेक एक्शन, आप कार्रवाई करें, इनके वजह से हमारे राष्ट्र के और आपके राष्ट्र के और आम आवाम को के बीच में जो खाइयां बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है, ये दोनों के लिए अच्छा बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने हमारे कहा कि पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी के बिना ये सब संभव नहीं था, जो कुछ भी भारत के अंदर हुआ, बम्बई के अंदर हुआ, उनकी एजेंसी को उनकी मर्जी से हुआ, उनके कहने से हुआ, ये तो नहीं कहा उन्होंने, ये कहा कि उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता था। तो जितना एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान को, लालू प्रसाद जी को, ये पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, जानते हैं आपको, तो पाकिस्तान मैं मानता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग नहीं था, दोनों मिलकर के हम ब्रिटानी सरकार के खिलाफ लड़े, लेकिन कुर्सी की वजह से दो भाई दो जगह हो गए, और गरीब मुल्क है पाकिस्तान, हम भी गरीब मुल्क के लोग हैं, इसलिए हम हमारे भाई हैं आप, और ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान में, और सरकार को चाहिए बढ़ चढ़ के जो खामियां हैं, गलतियां हैं, आतंकवाद है, जहां से उनके धरती का इस्तेमाल हुआ या वहां से निकल के आते हैं, वहां फलते फूलते हैं, उनके ऊपर एक्ट करिए, आप कार्रवाई करिए, तो लगेगा, देखेगा भारत को कि नहीं, इनके नियत में कहीं खोट नहीं है। और हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान के आम आवाम इसको महसूस करेंगे और वहाँ के शासन एक्ट करेगा। लालू जी, वहाँ की जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल हो रही है, स्वात वैली चला गया और वहाँ पर जो न्यूक्लियर बम पड़े हुए हैं, उनका खतरा है कि दूसरे लोगों के हाथ में चले जाएंगे, तो आपका लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भारत के प्रति इतना, एक न्यूक्लियर बम वहाँ चले गलत लोगों के हाथ में, तो आपको लगता नहीं कि सरकार फेल हो गई, कोई एक्शन नहीं ले रही है वहाँ की? नहीं, देखिए, वो बात हम भी देख रहे हैं, प्रत्येक आदमी वाच कर रहा, दुनिया भी वाच कर रहा, इसलिए ये जो
आतंकवाद है, टेररिज्म है, या जो अलकायदा है, या जो घटनाएं घटित हो रही है, उसके शिकार वो भी हैं। और बीच में जो आती मिलिट्री या बीच में आई इससे आता है, उसको सरकार को और दुनिया को और भारत भी इस चीज को वाच कर रहा है। नहीं, आईएसआई वहां करती है ये सब गलत काम। नहीं, उसमें जो आरोप है लोगों का कि इसमें ये आते हैं, उनकी रोल ज्यादा हो जाती है किसी भी काम। लालू जी, नहीं लगता कि ये जानबूझ कर कितना बड़ा हल्ला भी मचाया, ताकि उनको जो आप मांग कर रहे हैं कि हमारे को हमारे क्रिमिनल वापस कर दीजिए, वो मांग हट जाए, दब गई है, जैसे आपकी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान ये भी तो बहाना कर सकता है बढ़ा चढ़ा के तालिबान को, ताकि भारत सरकार उन क्रिमिनल्स को मांगना बंद कर दे जो आप पहले से मांग रहे थे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भारत के पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा जड़मूल से हम अलर्ट रहेंगे, हमारी अलर्टनेस रहेगी, तो नस्नाबूद करने में भारत पीछे नहीं रहेगा। लेकिन देखिए, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है कोई भी देश के लिए। ये युद्ध जो होते हैं, वार होते हैं किसी भी देश के बीचों में, ये सबके लिए दुखद हुआ करता है। इसलिए हम भारत में जो हमारी कमियां रही है, मुंबई जैसे शहर पे अटैक हो गया, शहर पर जो अटैक हुआ और समुंदर रास्ते से आए और गए, तो इसमें तो हमारी खामियां थी। हमारा जो वर्ल्ड वाइज फेनोमेन जो आतंकवाद का है, बढ़ा है, इससे तो मिलजुल के वर्ल्ड कम्युनिटी या सबको मिलके लड़ना है। नहीं, पर लगता नहीं कि आप, लालू जी, आप तो हमेशा फ्रैंक बोलते हैं, आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान को, अगर आप कहें जोर शोर से कि आतंकवादी जो कैंप में है उसको समाप्त क्यों नहीं करते आप? नहीं, ये तो बात, सारी बातें कही जा रही है, हमारे मंत्री कह रहे हैं, हमारी सरकार बोल रही है, सब कुछ हम लोग बोल रहे हैं। तो आप उनको डायरेक्ट क्या बोलेंगे? नहीं, डायरेक्ट बोलने का मतलब हम लालू प्रसाद यादव ने जाकर, नहीं, मेरा तो कहना ही है, और हमको तो सुझाव ही दे सकते हैं कि आप इसको खत्म करो, नहीं तो फिर तो लोकतंत्र नाम का वजूद ही खत्म हो जाएगा आपके देश में भी, लोकतंत्र रहेगा नहीं जिस तरह से लोग कर रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, आपको लगता नहीं सिस्टम नहीं रहेगा? आपको लगता नहीं जो लिस्ट हमने दे रखी है उनको 40 लोगों की, उनको सौंपना चाहिए भारत को? बिल्कुल सौंपना चाहिए, अगर उनके यहाँ कोई कानून है, वर्ल्ड में कोई कानून है कि वहाँ के अपराधी का ट्रायल वहीं हो सकता है जो सारी दुनिया ने स्वीकार किया है, कोई मापदंड है उस अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मांग करें इनको दो 40 लोगों को वापस करना, तभी दो तीस। पर मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद कि और क्या करना चाहिए जिससे देश सुरक्षित हो और एक राजनीतिक आम जो है पीसफुल बना रहे, इसके ऊपर आपकी क्या सलाह है, मैं पूछूंगा आपसे। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव से। मैं आपको फिर राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी पीछे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि यूपीए के अंदर आपने कल कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां इररिलेवेंट होती चली जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, बाद में आकर के बीजेपी, फिर ये कम्युनिस्ट जो सीपीएम, अगर लेकिन नॉट इन ईच एंड एवरी स्टेट, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी, जैसे हमारी भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अभी हो गई है, आरजेडी पार्टी हो गई है, क्योंकि जो कुछ नॉर्म से चार राज्यों में इतना परसेंट होने की सीटें, तो राष्ट्रीय पार्टियों का वेरी फ्रेंकली आई एम स्पीकिंग कि राष्ट्रीय पार्टियों के वजूद बिल्कुल घटे हैं, और लक्षण मुझे नहीं दिखता नियर फ्यूचर में भी कि राष्ट्रीय पार्टियां, इन तमाम लीडरशिप जो अलग अलग राज्यों में है, ये अलग पकड़ है, अलग सोच है, अलग समझ है, अलग लोगों के आधार है वोट में आने का, चुनाव जीतने का और पकड़ रखने का। तो ये पार्टियों का, नेशनल पार्टियां तो चाहती है कि छोटी छोटी पार्टियों का युद्ध खत्म हो जाए, चाहती है, इच्छा है। आप भी तो राष्ट्रीय पार्टी से अलग गए ना, बनाई आपने। राष्ट्रीय पार्टी की इच्छा से सब कुछ नहीं चलता, देश की जनता जो मैंडेट देती है उस पर चलना पड़ेगा डेमोक्रेसी में। आपने कहा एक बात अपने कि राष्ट्रीय पार्टी चाहते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां जो हैं प्रदेश लेवल पे हैं वो खत्म हो जाएं। मगरमच्छ हैं ये लोग, ये छोटी मछली खाते रहे, अभी तो मगरमच्छ भी नहीं रहे वो लोग, जो करते रहे हो, इनको नियत खराब है आपको लगता है? नियत नहीं, एक चुनौती मिल रही है, और ये जो कोलिशन एरा, मिली जुली सरकार, पूर्व में भी, आज भी और कल के बाद भी, मैं जो अपनी बात में बोलता हूँ, जो हमारी फाइंडिंग है और हमारा फोरकास्ट है कि
कि नजदीक नजदीक तक मैंने नहीं नजर आता मुझे कि ये नेशनल पार्टियां कभी मेजोरिटी ला पाएंगे, मेजोरिटी सिंगल मेजोरिटी कोई ला सकेगी नेशनल पार्टियां। अभी जो कांग्रेस ने कहा कि हम राष्ट्रीय लेवल पर कोई आप यूपी के एलायंस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन नेशनल पार्टी ये एरोगेंस हुई ना। नहीं, 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 बात हमने इसको तहकीकात किया था, कांग्रेस पार्टी में हाईएस्ट लीडरशिप जो है ये चर्चा में उनके पार्टी के अंदर जो लीडर्स खड़े होते हैं बोलने के लिए अलग अलग लोगों की राय थी, लेकिन सच वो नहीं था। और सच वो नहीं था, अगर पार्टी कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, कोई भी सीपीएम पार्टी हो, नहीं किसी से चाहता है तो कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, नहीं पर ये नहीं, अगर नहीं चाहता तो नहीं चाहता तो मैं उनसे या कोई आदमी क्यों इस बात को लेकर लड़े। आप अपना रास्ता देखें, अपना रास्ता तय करें, कौन पार्टी कोई चाहती है कि हमारे बैनर में ही सब लोग रहें, और बैनर में कैसे कोई रह सकता है। डिफरेंट अलायंस तो है, जब यूपीए इकट्ठा लड़ेगी, यह अलायंस है, हमारा अलायंस है कि सरकार चलाओ, सांप्रदायिक ताकतों को दरकिनारा करो, सेक्युलर ताकतें इकट्ठा हो, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ, और ये बनाया हमने सरकार बनाने के लिए ना, इंडिया नहीं, सरकार का देश बचाना है हमको, हमको नहीं, देश बचाने के लिए सरकार की जो जरूरत तो है। पर अब लालू प्रसाद यादव यूपी में ऐसे हाथों में हम देश को नहीं छोड़ सकते थे जो बाबरी मस्जिद को गिराते हैं, दंगा फसाद करते हैं, एक मुस्लिम भाइयों पर जो ट्रस्ट नहीं करते हैं, ऐसे दल के नग्न नृत्य को देश ने देखा तो हमको इकट्ठा होना पड़ा, सेकुलर ताकतों को आना पड़ा। हम बैठे बैठे देश को इनके हाथों में नहीं जाने देना चाहते हैं, अब फिर वही राग फिर सजाता जा रहा है कि मंदिर बनाएंगे, कौन माई का लाल है जो हमको रोक देगा। हम बैठे रहेंगे, हम सब तरह की कुर्बानी दे करके इनको सत्ता के गलियारों में नहीं आने देंगे, ये हमारा संकल्प है, इसके लिए हम इकट्ठा हो। सरकार में इकट्ठे होकर के उनको हटा दिया आपने, नहीं बनने दिया, ये बात ठीक है आपने कहा, पर जब सरकार के बाद राजनीतिक अलायंस भी होना चाहिए ना, आपका सिर्फ सरकार बनाने का अलायंस, हमारा अलायंस पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनता, हमारा अलायंस है, अलायंस रहेगा जब तक ये दंगा फसाद आतंकवाद और ये सांप्रदायिकता दोनों जुड़वा बहन है, और फिर वही बात इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की चलाई जा रही है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई सवालात नहीं। अडवाणी ने कहा हम तो देश को सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए सिक्योरिटी के लिए देश चाहिए, हमारे सिक्योर कर रहे हैं, फिर वही माला जप रहे हैं, मंदिर कौन माई का लाल है मुद्दा, और फिर इनके गोद में बैठा हुआ ये जदयू पार्टी ये बोलता है हमारा नहीं मुद्दा है, तो बैठे हो क्यों वहां पर, क्यों बैठे हो, देख लो बताओ देश को, डोंट टीच द वोटर्स एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को मारोगे, हमारे उनके चर्चों को जलाओगे, उनके लोगों को शिक्षा देने वाले लोगों को मर्डर करोगे, मुस्लिम भाइयों पर ट्रस्ट नहीं करोगे, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। लालू जी एक बात उनका जो कहना है कि पिछले यूपीए सरकार के अंदर टेररिस्ट अटैक इतने, देश सिक्योर नहीं है, अब बीजेपी का नारा क्या है, एनडीए का नारा क्या, नीतीश कुमार आपके दोस्त में शामिल हैं, उनका नारा क्या है कि देश को सिक्योर करेंगे, करप्शन हटाएंगे, अरे नारा है, और इनके गार्जियन कौन है, किनके गर्दन में माला डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये ढोंग क्यों कर रहे हो, ये ढोंग है मैं जानता हूं सबको, और फिर उसी सवाल पर ये लोग खड़े हैं, फिर ये वोट लेने के लिए, डिवाइड करने के लिए, नकली नारे हैं, देश की जनता माइनॉरिटी एवरीबॉडी इज अलर्ट, सब लोग काफी चिंतित है कि देखो ये फिर देश को आग में डालने वाला है। पर लालू जी आप बात ठीक है, पर आपके अपने भी तो यूपी में डिवाइडेड है ना लोग, सारे के सारे, हमारा कोई डिवाइड, पवार साहब शिवसेना से बात कर रहे हैं, वो भी तो कम्युनल लोग हैं, बात सुनिए, आपके एलाई है ना, हो या कोई आदमी हो जो भी सांप्रदायिकता का पाला पकड़ेगा उसका विनाश होगा, चाहे जो भी हो, लालू हो या कोई आदमी हो, सांप्रदायिकता देश का सबसे बड़ा शत्रु है, और इस देश में हम सभी लोगों पर को, आपके सब लोग से एक भाषा क्यों नहीं बोल रहे, फिर यूपी आप बोल रहे हैं जिस तरीके से, हम एक भाषा बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, पर शरद पवार मान जाकर बाल डाकर से बात करते हैं, नहीं नहीं नहीं, किससे कौन बात करता है उससे हमको क्या लेना देना, क्योंकि आपके सेक्युलर पार्टनर सीपीएम सीपीए वाले छोड़े चले गए आपको, कहाँ छोड़ के चले गए, हमने कहा हम कांग्रेस की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, कांग्रेस इसमें शामिल होगी, सीपीएम सीपीआई दे आर मोर कंसर्न ऑन द कम्युनल इश्यूज, दे आर माई फ्रेंड्स,
बैड डेज में भी सीपीएम हमारे साथ खड़े रहे, गलतफहमी में न रहे कोई सांप्रदायिक ताकते कि हम डिवाइडेड हैं। हम डिवाइडेड नहीं हैं, हम हमारे पास डिफरेंसेस हुए न्यूक्लियर डील के मामले में। अगली सरकार बनाने के लिए हमारा जाएंगे उनके पास, सांप्रदायिक ताकतों को हजारों कोस दूर फेंकने के लिए हम सब एक रहेंगे, ये पक्का नोट कर लीजिए। सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए और क्या क्या करेंगे मैं पूछूंगा छोटे छोटे से ब्रेक लेके। एक बात बताइए, पहले सीधे सवाल पूछता हूँ पांच आपसे मैं, कि अब आपको चुनाव के बाद गैर कांग्रेसी पीएम भी हो सकता है या नहीं? कैसे नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें आप भी शामिल हैं? नहीं, हम नहीं शामिल हैं। आप अपने आप को बिल्कुल बाहर? हम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, लेकिन एक दिन हमको बनना है, वो तो बनना है, पक्का बनना है। इसका ये मतलब नहीं है कि रावड़ी जी जब टीम से बन जाएंगे तब नहीं, कोई बनी बनाई बातों को हम बिगाड़ दें। हम इतने भूखे नहीं हैं, इतने आतुर नहीं हैं, हम तो बनेंगे एक दिन। इसलिए आप लोग जो समझते होंगे शरद पवार जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी इच्छा रखनी चाहिए, बुरी बात तो है नहीं। रामविलास जी की इच्छा रहनी चाहिए, मुलायम सिंह को रहना चाहिए, अब शरद पवार को रहना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू भी रहने चाहिए। बाबू है तो बाबू अभी कहाँ, मैं नहीं जानता। तो आप कहना है चुनाव होने के बाद एक बार फिर से आप लोग बैठेंगे, फिर प्रधानमंत्री का फैसला होगा? एक बार की बार बार बैठेंगे और आपका मीडिया को और ज्यादा कवरेज मिलेगा, तभी इसलिए कहते हैं कभी पीएम मैं बनूंगा तभी तरक्की होगी। नहीं तो आप तो अटक गए। तरक्की क्या, तरक्की हम कर रहे हैं जितनी हम लोग की ताकत है, लेकिन इच्छा तो है, इच्छा तो एक दिन बनेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। कौन रोकेगा, तो ये ललाट में होगा, फिक्स होगा, कोई रोकेगा क्या? आप उसकी उस तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव की सीटें बढ़ जाती हैं 25 से 35 हो जाती हैं बिहार के अंदर लालू जी, तो उसमें स्थिति में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप भी तो हो सकते हैं ना? हम झगड़ा नहीं करने वाले, मतलब 2009 में नहीं करने वाले। अरे हमको अगर सब लोग मिलकर बोलेगा लालू बने तो हम क्यों बोलते हैं कि नहीं बनेंगे? अगर यूनानिमस चॉइस होगी तो बनेंगे। अकेले यूनानिमस कोई बनाएगा तब ना बन जाओगे। हाँ वही होता है, वैसे कौन बनेगा? कोई भी हो, पीपल इज ए बेस्ट जज। नहीं मैं कहता हूँ अगर ऑफर की जाएगी आपको तो मना तो नहीं करोगे ना? काहे मना करेंगे, नहीं करेंगे। इच्छा होगी तो हम मना भी कर देंगे। अच्छा, हमारी इच्छा होगी नहीं, हम अभी नहीं बनना चाहते हैं, अमुक आदमी को बना दीजिए, ये भी मैं कर दूंगा। आप बताइए, लोग कहते हैं दलित प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, व्हाई नॉट? तो उसमें मायावती या पासवान? नहीं नहीं, मायावती के पार्टी में हम नहीं ना, आपकी पार्टी में दलित की बात होगी तो पासवान जी है। पासवान में या दलितों में क्या कमी है, इसलिए कि वो दलित है, हमारा बिहार का है, हम जोर लगा देगा। तो आप बाकी जब आपके डिप्टी पीएम बनने की बात होगी तो किसी को बनाना हो तो आप उसके लिए भी तैयार होंगे? ये सब इन डिटेल कैबिनेट फॉर्मेशन अभी करवा रहे हैं आप क्या? हम उस दिन के इंतजार करेंगे लालू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।